हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन सुमिता अरोरा क्लास 11 के चैप्टर डाटा हैंडलिंग के टाइप ए का क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इनको गूगल पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, ये दो पार्ट में है। पहला व्हाट इज एन एटम, दूसरा बोल रहा है व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज एन एटम। तो समथिंग दैट हैज़ अ वैल्यू, मतलब किसी के पास कोई वैल्यू होती है उसे ना एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफायर्स, लिस्ट हो गया, टप्पल हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, लिटरल्स हो गए, ठीक, इन सब में वैल्यू दिया जाता है। ठीक, अब जान लेते हैं व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। An expression in Python is a valid combination of operators and atoms. मतलब कि expression उसे कहते हैं जिसमें operator भी हो और ना atoms भी हो। जैसे हम लोग plus minus करते हैं, यानी तो string को plus करते हैं, ये सब operator के through हम लोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, atoms होते हैं, मतलब value होती है। जैसे string में जैसे राम plus कुमार, तो राम कुमार जो print होगा तो उसे हम लोग, एक तो वो तो आंसर होगा, पर लेकिन हम लोग उसको ऐड कैसे कर रहे हैं, पहले राम कर रहे हैं, फिर जो प्लस ऑपरेटर है उसको वहाँ पे कर रहे हैं और फिर कुमार लिख रहे हैं। मतलब राम एक एटम है और कुमार भी एक एटम है, और जो प्लस लग रहा है वो एक ऑपरेटर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।